बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण में मौजूद पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में विश्व हिंदू महासंघ भारत के नए संगठन की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हिंदुत्व और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने को लेकर सभी से आह्वान किया गया, तो वहीं संतों का समागम भी यहां देखने को मिला। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के साथ हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले लोगों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व हिंदू महासंघ भारत का गठन किया गया है। इसी उद्देश्य के साथ विश्व हिंदू महासंघ भारत के समय संगठन की प्रथम कार्यक्रम के तहत संतों का समागम कार्यक्रम का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण में मौजूद पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में किया गया। इस मौके पर रायपुर, यूपी, करवदा, बिलासपुर सहित अनेक शहरों में संतों का जमावड़ा यहां मौजूद रहा, जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदुत्व के विकास को लेकर अपने विचारों से उपस्थित हिंदुत्व और सनातन लोगों को रूबरू कराए। संतों ने कहा कि आने वाले समय में हिंदुत्व को और किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसके लिए टीम बनाकर काम करें। इसके अलावा कार्यक्रम में हिंदुत्व के कार्य करने वाले लोगों का सम्मान भी यहां किया गया, जिसमें धर्म जागरण मंच हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा आयोजित करने वाले सदस्य, गौरक्षा समिति के सदस्य और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों का सम्मान इस मौके पर किया गया। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे भी शामिल हुए, जिन्होंने हिंदुत्व और सनातन धर्म की बढ़ोतरी को लेकर संतों के द्वारा किए जा रहे प्रयास को बेहतर बताया। इस मौके पर शहर विधायक ने भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होने चाहिए, जिससे हमें हमारे संस्कृति और सनातन धर्म से रूबरू होने के लिए बेहतर अवसर मिलता है। संत समागम उत्सव में बड़ी संख्या में हिंदुत्व से जुड़े लोग शामिल हुए, जिन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने को लेकर एक सुर में संकल्प लिया और उसके लिए तेजी से काम करने के लिए अग्रह हुए। क्योंकि वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी 44 देशों में अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं। आज बिलासपुर में इसका संत समागम एवं सम्मान समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें मैं राकेश गोयल जिला महामंत्री और हमारे साथ हैं राजू सलूजा जी जिला प्रभारी, अनिल राघवानी जी, आदित्य जी, मनीष जी, हम लोग सब साथ में हैं। आज हमारे द्वारा ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है एवं साथ में जितने भी बिलासपुर के ध्वजवाहक हैं, हिंदू ध्वजवाहक हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिन्होंने हिंदू का ध्वज वहन किया हुआ है और जो हिंदुत्व के लिए सदा ही अपने पैरों पे लगे रहते हैं और सारा अपने ध्वजा को उठाए रहते हैं। धन्यवाद जी। बताएंगे आज का कार्यक्रम। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिलासपुर में संतों का समागम हुआ है और हमारे बिलासपुर की धरा को जो आज यहाँ पर आकर उन्होंने बहुमूल्य समय दिया और एक पवित्र वातावरण बनाया, इसके लिए मैं सभी संतों का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जो विश्व हिंदू संगठन है उसके आधार पर इस तत्वाधान में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें हमारे बिलासपुर के सभी जो धर्म प्रेमी हैं, हिंदू प्रेमी हैं, हमारे भाई बहन सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आज सभी का सम्मान भी किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं सभी को इनके अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और इस तरह के कार्यक्रम हमारे बिलासपुर में और भी होते रहने चाहिए ताकि सभी को सही दिशा और निर्देश मिले और सही उद्देश्य जीवन में उनको सभी को प्राप्त।